अपने एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचे भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा की है। सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उदय स्टालिन अंग्रेजों के अवलंबी हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी ने कहा कि सनातन आदि और अनंत है, इससे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उदयनिधि स्टालिन पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं भारत बनाम इंडिया के विवाद पर सौरभ द्विवेदी ने कहा कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा थोपा गया नाम है जो गुलामी का प्रतीक है। अब देश आजाद हो चुका है, धीरे धीरे इस तरह की गुलामी की चीजों को हटा देना चाहिए। भारत हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा नाम है, हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है, तो हम भारत का ही समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कोई आदि है ना अंत है। जब से सृष्टि होगी तब से हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष से सनातन धर्म की नींव मानी जाती है। ये किसी के कहने से सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं होगा। और आज जानने समझने की जरूरत है देश के लोगों को, जो हम गांव-गांव जाकर के लोगों को यही बताते हैं कि अपने धर्म पर विश्वास करिए, अपने धर्म पर चलने की कोशिश करिए, अन्यथा ये राजनेता अपनी स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए समाज को खंड खंड करने के लिए आतुर है। और तमिलनाडु में एक ऐसा ही प्रयास हुआ है कि समाज को और बांटा जाए, जो अंग्रेज छोड़ करके गए हैं उसी का ये अवलंबन कर रहे हैं, लेकिन इनका मंसूबा कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।